प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हम लोग जो आज का सीटेट का पेपर नंबर 2 हुआ है उसका डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर वन कर एक बहुफलक के शीर्षों, किनारों और फलकों की संख्या क्रमशः 10, 15 और x है, तो 3x माइनस 12 की वैल्यू चाहिए हमें। अब 3x माइनस 12 की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले x की वैल्यू पता करनी होगी कि x की वैल्यू क्या है। तो अगर मैं आपसे कहूं किसी भी बहुफलक की बात करें और उसे फेस, वर्टेक्स और एज की बात करें, तो आप ये पहले देखिए कि उसका बेस क्या है, ट्रायंगल है कि क्वाड्रिलेटरल है कि पेंटागन है। अगर बेस ट्रायंगल हो या पेंटागन हो या क्वाड्रिलेटरल हो, अगर आपसे उसमें फेस पूछे तो बेस में जितनी साइड होगी उसमें आप 2 ऐड कर देना। अगर आपसे एज पूछे तो बेस में जितनी साइड है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देना। और अगर आपसे वर्टेक्स पूछे तो बेस में जितनी साइड है उसमें 2 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ पे देखो, ये फेस, वर्टेक्स और एज की बात कर रहा। अब हमें पता नहीं, हमने कहा बेस में मान लो साइड कितनी है, ए है। बेस में साइड कितनी है, ए है। उसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें वर्टेक्स मिल जाएगी, उसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई तो हमें एज मिल जाएगी। अब हमें वर्टेक्स कितना दे रखा है, तो आप कहोगे 10, और एज कितना दे रखा है, 15 दे रखा। अब ये 2 से कैंसिल करो कितनी, 5 बार में, ये 3 से कैंसिल होगा 5 बार। मतलब जो भी बहुफलक है उसका बेस पेंटागन है, मतलब उसमें 5 साइड है। तो अब हमें फेस मिल जाएगा, उसमें कुछ नहीं करना। फेस निकालने के लिए जितनी साइड दे रखी उसमें 2 को ऐड कर दो, यहाँ से कितना है, 7। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। उसमें फेस कितने हैं, 7। अब हमसे पूछा 3x माइनस 12, तो आप 3x की वैल्यू 7 माइनस 12 कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 21 में से 12 माइनस कर दो, वैल्यू कितनी है, 9। ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कर वन ऑफ द फैक्टर पी की पावर 3x प्लस पी स्क्वायर ब्रैकेट में x माइनस वाई माइनस पी वाई प्लस जेड माइनस जेड अब इक्वल टू। अब देखो कह रहा कि इसमें से चेक करना कौन इसका फैक्टर है, तो क्या इस वैल्यू को हम p की पावर 3x p स्क्वायर x माइनस p स्क्वायर y माइनस पी वाई माइनस पी जेड माइनस जेड लिख सकते हैं, तो आप एकदम लिख सकते हैं। अब यहां से देखो, अगर हम p स्क्वायर x कॉमन ले लें तो यहां क्या मिलेगा, तो आपको p प्लस 1 मिलेगा। यहां से माइनस पी स्क्वायर वाई कॉमन ले लें तो यहां से क्या मिल जाएगा, तो आप कहोगे कि प्लस 1 मिलेगा। और यहां से अगर मैं माइनस जेड कॉमन ले लूं तो आपको पी प्लस 1 यहां मिल जाएगा। अब एक ब्रैकेट में क्या बनेगा, पी प्लस 1, दूसरे में क्या होगा, पी स्क्वायर एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई और माइनस जेड। अब चेक कर लो इसमें कौन सा फैक्टर दे रखा है, तो पी प्लस 1 तो है नहीं, पी स्क्वायर एक्स माइनस सॉरी यहां पे एक सेकंड यहां पे हमें पी वाई का मान लेना था, एक सेकंड यहाँ पे हमें पी वाई का मान लेना था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी वाई माइनस जेड। ऑप्शन कौन सा,
आप कहोगे कि टी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है यदि 8 अंकों की संख्या 9471x9y2 72 से डिवाइड है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढने हैं। तो अगर कोई नंबर 72 से कब डिवाइड होगा, जब वह नंबर 8 और 9 दोनों से डिवाइड होगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर उसके लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो वह पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि कोई भी नंबर हो अगर उसके डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो जाता तो वह पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। अब देखो दे रखा है 9471x और 9y2। अब पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, तो पहले में x की वैल्यू 3 दे रखी है और y की वैल्यू 1 दे। अब चेक कर लो, देखो 8 और 9 से डिवाइड होता है तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट की 3 डिजिट, तो लास्ट की 3 डिजिट चेक करते हैं। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 वन जा 8, तो यहाँ से कितना बचेगा, तो आप कहोगे 1, ये 11 हो जाएगा। 8 वन जा 8 कितना बचेगा 3, और ये 32, 8 फोर जा 30, मतलब ये 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अब 9 से चेक कर लेते हैं, देखो 9 से ये 9 कैंसिल, ये 9 कैंसिल, 7 2 9 ये कैंसिल, 4 3 7 1 8 1 9 ये पूरा पूरा कैंसिल, मतलब ये पूरा पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह अब ऑप्शन बी चेक करते हैं, तो 9471 92। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, 8 रखनी है, वाई की 5 रखनी, यहाँ चेक कर लो लास्ट की 3 डिजिट, तो 8 वन जा 8 यहाँ से कितना बचा है 115, 8 वन जा 8 कितना बचा 7, ये हो जाएगा 72, 8 9 जा 72, मतलब 8 से पूरा पूरा कैंसिल है। 9 से ये 9 से कैंसिल, ये 9 से कैंसिल, 7 2 9 ये कैंसिल, 8 1 9 ये कैंसिल, 4 और 5 9, मतलब ये 9 से पूरा पूरा कैंसिल, ये भी सही है। थर्ड चेक करते हैं, तो थर्ड में क्या है, 9471 और ये हो जाएगा वाई, ये सॉरी वाई नहीं, 9 अप टू। एक्स की वैल्यू यहां पे हमें क्या रखनी है, 4। एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, 4, तो यहां पे 4 रख दो, और वाई की वैल्यू क्या रखनी है, 9। ठीक, अब देखो यहां भी चेक कर लेते हैं, 8 वन जा 8 यहां से कितना बचा 119, 8 टू जा 16 3 बचा 32, मतलब ये 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब 9 की बात करते हैं, देखो 9 से ये 9 कैंसिल, ये भी 9 कैंसिल, ये भी कैंसिल, 7 2 9 ये भी कैंसिल, 4 1 5 4 9 ये भी, मतलब ये तीनों सही है, तीनों डिवाइड है, लेकिन हमें ढूंढना है जो गलत है, तो गलत बचा कौन, ऑप्शन डी, यही गलत होगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा। बातें क्लियर है ना, कोई डाउट, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% छूट देने के बाद 324 रुपए में बेचता है, वस्तु का लागत मूल्य 300 रुपए है, यदि वह वस्तु को उसके समान अंकित मूल्य पर 18% छूट देकर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। अब देखना, कह रहा कि पहली बार वह 28% छूट दे रहा, हमें पता नहीं उसका अंकित मूल्य क्या, तो हमने कहा अंकित मूल्य x है। अब अंकित मूल्य अपने आप में क्या 100%, अगर उस पर 28% की छूट दे तो ले कितना रहा है, तो आप कहोगे 72%। अब इसी 72% की वैल्यू आपको 324 दे रखी है, ठीक। अब कैंसिल करो, 18 चौक 72 25 चौक 100, 18 1 18 यहाँ कितना बचेगा, तो आप कहोगे 14 18 बटे 144। अब यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 बटे 200, 25 1 25 और 25 में 20 ऐड करो कितना होगा 45, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 450, अंकित मूल्य उसका कितना 450। अब कह रहा इस पर अगर 18% छूट देता तो 450 पे वह 18% छूट देगा तो आपसे लेगा कितना, तो आप कहोगे 82% अपान में 100, 0 से 0 कैंसिल,
ये 5 से 9 बार में, 5 से 2 बार में, ये 41 बार में, यहाँ से देखो 9 एक कम 9 और 9 चौके 36, मतलब अब वह बिकेगा कितने, 369 रुपये, मतलब उसकी सेल प्राइस SP कितनी होगी 369, कास्ट प्राइस आपको CP दे रखा है 300। अब प्रॉफिट कितना हो रहा, तो आप कहोगे 369 में से 300 घटा देंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा 69 रुपये, इसी को परसेंट में पूछा है, 69 कितने पे, 300 पे इंटू 100%, ये दोनों जीरो यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल होगा 23 बार में, मतलब उसे लाभ कितना, 23% का लाभ कितना हो रहा है, 23% का, बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। करा एक त्रिभुज PQR में, P 55 अंश, QR बराबर 18 सेंटीमीटर, निम्नलिखित में से किस स्थिति में त्रिभुज PQR एक विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है, विषमबाहु कर रहा है ना, स्केलन की बात कर रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता QR, क्योंकि अगर QR और PR या PQ आपस में बराबर हो जाएंगे तो ट्रायंगल आइसोसेलियस बन जाएगा, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, बातें क्लियर। अब बात आती है C और D की, अब अगर आप ट्यूज एंगल बनेगा तो जो भी वैल्यू होगी वह 90 से बड़ी होगी, एक एंगल की वैल्यू क्या होगी 90 से बड़ी होगी। अब इसमें ये P है, ये Q है और ये R है, अब P की वैल्यू कितनी दे रखी, 55 डिग्री, P की वैल्यू 55 डिग्री, अगर R की हम वैल्यू की बात करें ये कितना होगा 15 दे रखा है, अब 55 में 15 ऐड करेंगे कितना 70, और तब उस समय Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 110, क्यों, क्योंकि एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, तो अब 180 बना लेंगे, इसे हमें क्या लगे 110, अब देखो एक एंगल इसे 90 से क्या है बड़ा हो रहा है, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनेगा, ठीक। लेकिन अगर इसकी बात करें तो यहां पे अगर R को आप 65 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 65 और 55 120, ये 60 अंश हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन कौन सा, C, बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा एक समलंब की समांतर भुजाओं की लंबाई 11 सेमी और 25 सेमी यदि उनके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, मतलब ट्रेपीजियम की बात कर रहा है, ऐसे कुछ है, एक 11 है दूसरा 25 पैरेलल और इनके बीच की जो दूरी कितना दे रहा है 12, ऊंचाई 12 दे रखी है, इसका क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 3 और 2 है, तो आयत का परिमाप पूछ रहा है, तो पहले तो हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा, ट्रेपीजियम का एरिया का फार्मूला क्या था, 1/2 × H ब्रैकेट में पैरेलल लाइनों का सम, तो यहाँ पे 11 + 25 हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 1/2 × H कितना दे रखा 12, ये कितना हो 36, ये बराबर किसके रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है जिसके साइड का अनुपात कितना दे रखा 3:2, तो यह हो जाएगा उसका एरिया क्या 3x × 2x, देखो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में 18 बार में, ये देखो 3 से कैंसिल होगा 6 बार में, ये 2 से कैंसिल होगा 6 बार में, अब x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो अब आयत की एक साइड क्या होगी 3x, मतलब 3 × 6 = 18 सेंटीमीटर, दूसरी क्या होगी 2x, 2 × 6 = 12, अब हमसे आयत का पेरीमीटर की बात कर रहा है, तो पेरीमीटर क्या था 2 (L + B), तो यहां हो जाएगा 2, अब L कितना 18, B कितना 12, दोनों को ऐड करो कितना होगा 30, 30 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो 60, ऑप्शन कौन सा, D, बातें क्लियर है, आगे चलते अगला क्वेश्चन देखो, करा x y का व्युत्क्रमानुपाती है, जब x की वैल्यू 3.5 है तब y 2.4 है, जब x की वैल्यू 5.6 है तो y की वैल्यू पूछ रहा, देखो करा y जो x का रेसिप्रोकल है,
कह रहा जब एक्स की वैल्यू 3.5 है तो वाई कितना 2.4 हो रहा है, तो रखो वैल्यू एक्स कितना 3.5 इक्वल टू, अब यहाँ हम एक वेरिएबल कांस्टेंट रख लेते हैं के, अब इसके ये हो जाएगा वाई की वैल्यू 24 दे रखा, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.4 इंटू 3.5 इंटू 2.4। अब कह रहा है कि जब एक्स की वैल्यू 5.6 हो तो वाई की वैल्यू क्या होगी, देखो वैल्यू पुट कर देते हैं, अब यहां पे एक्स की वैल्यू कितना 5.6 करा है, 1/y की वैल्यू, अब देखो यहां पे k कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू हमने रख दिया 3.5 इंटू 2.4। देखो अब यहां से हम क्या करते हैं, इसको हम फाइनली लिख लेते हैं 56/10, ये हो जाएगा 35/10 गुड़े 24/10 गुड़े 1/y। ठीक, अब यहां पे देखो ये कैंसिल 10 10 से, ये 5 7 35 और 7 से कैंसिल हो जाएगा कितना 8 बार में, 8 से ये हो जाएगा 3 बार में, ये 5 से कैंसिल होगा 2 बार में। ठीक, तो 2y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2, कैंसिल कर दो आ जाएगा 1.5, ऑप्शन कौन सा सी, बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -40/3 है, यदि दो संख्याओं में से एक -5/2 तो दूसरी संख्या के व्युत्क्रम इनके बीच में आएंगे। देखो अब करा दो संख्या, मान लो हमने कहा ए और बी का प्रोडक्ट क्या -40/3 है, ए की वैल्यू हम कह रहे हैं एक की वैल्यू दे रखा है तो क्या दे रखा है -5/2 इंटू बी इक्वल टू -40/3। देखो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल होगा 8 बार में, तो बी बराबर हो जाएगा 16/3, लेकिन हमसे इसका रेसिप्रोकल पूछा है तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/b, तो लिखोगे 3/18। कर यह किनके बीच में, मतलब यहाँ किनके बीच में आएगा, तो इसे अगर हम सॉल्व करें 3 को 18 से डिवाइड करें, यहाँ लगाएंगे 0.1 बार 18, यहाँ से आ जाएगा 12 और 120, 18 6 108, यहाँ से आ जाएगा आपका फिर 12 120 18 6 108। ठीक, 0.166, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसे अगर हम 1 को डिवाइड करें 4 से तो ये आएगा 0.25 और ये हो जाएगा 0.33, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये आएगा 0.6 आएगा और ये आ जाएगा 18, ये भी नहीं हो सकता। इसको देखते हैं, 9 को 50 से डिवाइड करें तो यहाँ 0.0 ये हो जाएगा 1 बार, तो ये हो जाएगा 50 40 और यहाँ हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 8 18 400। ठीक है, 1.5 की बात कर रहा है, 1.5 की वैल्यू आएगी कितना 0.2, ये भी नहीं हो सकता। अब क्या बचा 1/5 की अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 20, ये 25, कोई मिस्टेक है क्या, एक सेकंड रुकना,
9/50 और 1/5। कैलकुलेशन सही है ना? 16/3, 16 डिवाइड किया है, 1 सेकेंड मिस्टेक हुई, सॉरी 1 सेकेंड यहाँ पे हमने गलती कर दी। 3/18 है ना, तो हमें 3 को 18 से डिवाइड करना था। यहाँ पे 0 पॉइंट ये हो जाएगा एक बार, तो यहाँ होगा 18 12 120, 18 6 108, फिर बचेगा कितना, 12 18 6 108। सही तो है, फिर वही गलती, 1 सेकंड रुकना। यहाँ पे B1/B इक्वल हो जाएगा 3/16, यहाँ 16 से डिवाइड करना है। दिमाग में पता नहीं कहाँ से 18 आ गया। 3/16, यहाँ पे 0 पॉइंट ये हो जाए 16 एकम 16, कितना 14 140, 16/128, यहाँ कितना आ जाएगा 12 120, और 16 7 112। ठीक, अब ये देखो ऑप्शन सी सही होगा, 18 से बढ़ा रहा ये वैल्यू 20, मतलब 0.20 आएगी, यहाँ से ये ऑप्शन सी सही है। बातें क्लियर है? एक बार फिर से देख लेना। देखो 9/18 से डिवाइड करना, 50 से डिवाइड करना, यहाँ 0.90 कितनी 1 बार में, ये हो जाएगा 50, कितना आएगा 40, अब यहाँ पे 0 कितनी बार 8 बार, ये हो जाएगा 400, पूरा कैंसिल। और यहाँ आ जाएगा 1 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो यहाँ लगाएंगे पॉइंट, ये होगा 0, अब ये कितनी बार 2 बार, तो आप कहोगे 10 पूरा 0.2। अब ये देखो 0.2 है, ये 0.18 है, हमारी जो वैल्यू क्या है 0.187, इनके बीच में है। तो हमसे पूछा ना किनके बीच में, तो ऑप्शन सी। बातें क्लियर है? आगे चलते अगला क्वेश्चन देखो। करा BD समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण इस प्रकार है। समांतर चतुर्भुज ABCD इस प्रकार है कि CBD बराबर 12x, CBD ये 12x है, और ABD ये कितना 7y है। ठीक, अब कह रहा है कि एंगल ADB ये कितना दे रखा 60, और CDB बराबर कितना 28। तो हमसे कह रहा 2x + 3y की वैल्यू पूछ रहा। अब ध्यान से देखना, 7y किसके बराबर होगा 28 के, तो 7y = 28, तो x बराबर कितना आ जाएगा, अरे सॉरी 7y बराबर कितना है 4। अब 12 ex बराबर कितना है 60 के, तो ex बराबर कितना है आप कहोगे 5। अब वैल्यू रख दो 2 × 5 + 3 × 4, यहां से कितना 5 × 2 = 10 और 4 × 3 = 12, दोनों को ऐड करो कितना 22 डिग्री। ऑप्शन कौन सा, डी। बातें क्लियर है? आगे चलते अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा यदि x बराबर 0.011 +10.11 - 12.101 +0.1011, तो योग 1.1 प्राप्त करने के लिए x में क्या जोड़ा जाना चाहिए। तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहले हम पॉजिटिव को एक साथ ऐड कर लें, 1.0 ये हो जाएगा 10.11, ये हो जाएगा 0.1011
वन वन, ये वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, ये भी टू हो जाएगा, पॉइंट ये वन वन। अब माइनस दे रखा ना, तो माइनस 12.101, इसे माइनस कर दो, टू 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 वन। यहाँ 10 में से एक जाएगा 9, अब यहाँ 10 में से दो जाएगा 8, अब यहाँ 9 में से दो जाएगा 7, अब यहाँ से लेंगे 10, 10 में से दो जाएगा 8, अब इधर आ जाओ, यही आएगा 0.8789। अब हमें कह रहा है कि योग प्राप्त करने के 1.1 प्राप्त करने के लिए हमें x में क्या है, तो इसको इसमें से माइनस कर दें, ये वैल्यू किस में है, निगेटिव है, तो माइनस करेंगे तो ऐड हो जाएगा, तो 1.1 में इसको ऐड कर दो, 0.8789, देखो ये हो जाएगा 98791, ऑप्शन कौन सा, बी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। करा एक लंब वृत्ति बेलन के घुमावदार सतह का क्षेत्रफल 4440 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर, तो आयतन मीटर में बताना है, वैल्यू हमें सेंटीमीटर में दे रखी है, ऐसे हमें मीटर में बताना है। देखो पहले आधार की परिधि कितना दे रखा है, सर्कमफ्रेंस, तो आप कहोगे 110, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, तो आप कहो 2πr, इसकी वैल्यू 110, तो 2 × 22/7 × r बराबर 110। ये देखो सॉरी 22 से कैंसिल होगा, 5 बार में और r बराबर कितना आ जाएगा, तो 5 × 7 = 35/2, क्लियर है। अब यह चाहिए तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होती, तो आप कहोगे 2πrh, 2 × 22/7 r कितना है, 35/2 × h बराबर कितना, 4400। देखो 7 से ये 5 बार में, ये 2 से 2 कैंसिल, 22 से ये 2 बार में 200, 5 से कैंसिल 40 बार में, तो h कितना आ गया, 40 आ गया, r कितना, 35/2 है। अब हमें इसकी वॉल्यूम पूछ रखी है, तो वॉल्यूम क्या होता है, तो आप कहोगे पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 35/2, एच कितना दे रखा है, तो आप कहोगे 40। अब ये सेंटीमीटर में सब है, इन्हें हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, क्योंकि हमसे आंसर मीटर में पूछा है, तो यहाँ पे आप 100 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी 100 से और यहाँ भी 100 से, हो गया। अब देखो 7 × 5 = 35, 5 से ये 40 बार में, ये 40 से कैंसिल होगा, हो गया। अब 2 से ये 11 बार में, 2 से ये 100 बार में, ठीक, 5 से ये 7 बार में, 5 से ये 20 बार में, हो गया। अब तो कुछ नहीं बचा, तो आप 77 को 77 को किससे डिवाइड करोगे, 2000 से, किससे, 2000 से, तो देखो यहां पे पॉइंट लगाएंगे तो ये 0 होगा, तब भी नहीं, फिर 0, अब कितनी बार, 3 बार, तो ये हो जाएगा 6000, यहां से 700 बचेगा, फिर 1 0, फिर 3 बार, सॉरी 17 बचेगा ना, 8 बार, 8 × 2 = 16, अब यहां से कितना आएगा, तो आप कहोगे कि 1000,
फिर यहाँ जीरो पांच बार, तो 0.385 ऑप्शन कौन सा, सी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा दो संपूरक कोण के बीच का अंतर 20 डिग्री, यदि इनके छोटा कोण पी है तो 3P माइनस 50 डिग्री का वैल्यू पूछ रखा है। देखो तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम क्या है, तो आप कहो ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, ए माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे दे रखा है 20, कैंसिल, 2A बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि 200, तो A बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 100, तो अगर B कितना हो जाएगा तब, तो आप कहोगे 80 डिग्री। अब कह रहा है कि छोटा कोण PA, मतलब दूसरा वाला छोटा है, PA जो है छोटा 80 डिग्री, तो कह रहा 3P माइनस 50 डिग्री की वैल्यू पूछ रखा है। देखो तो आप यहाँ पे लिखो 3 या 80 माइनस 50, तो ये हो जाएगा 240 माइनस 50 कर दो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 190। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, हमने ए प्लस बी मान लिया है, तो मतलब बी को आप पी समझ लीजिए, बात खत्म। तो ऑप्शन कौन सा, ए। बातें क्लियर, आगे चलो। कह रहा है इफ एक्स अपान वाई इक्वल टू माइनस 1/3 की पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2/3 की पावर माइनस 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/x/y + y/x पूरे की पावर माइनस 1। देखो एक्स अपान वाई बराबर क्या दे रखा है, माइनस 1/3 पूरे की पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2/3 पूरे की पावर माइनस 4। अब यहाँ पे देखना, अगर मैं माइनस हटाना होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आप लिखोगे 3/1 पूरे की पावर 3 डिवाइडेड बाई, ये भी क्या हो जाएगा 3/2 पूरे की पावर 4 हो गया। क्या हम इसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 के बाद 27 माइनस में इनटू, ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो हो जाएगा 16/81। अब इसे कैंसिल करें तो ये इसे कैंसिल होगा कितनी बार में, तो आप कहोगे 3 बार में, यहाँ से आएगी 16/3 आएगा, 16/3 कितना आएगा 3 माइनस का। अब हमें निकालनी वैल्यू x अपान वाई की वैल्यू कितना आएगी, -16/3, तो यहाँ एक तरफ हो जाए -16/3 माइनस वाई अपान एक्स क्या हो जाएगा 3/16। अब इसे सॉल्व कर लो, 48 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 48 या 3 से डिवाइड 16 में, 16 का 256 माइनस इससे डिवाइड करोगे तो कितने 3 बार में, ये 9 हो जाएगा -265/48 पूरे की पावर क्या -1 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो -48/265 ऑप्शन कौन सा, ए। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, करा दी यदि a बराबर -2x² + 12x, b = 11 - 8x + 3x² c = 17 - 4x² और d = x² - x - a, तो योग हमें क्या चाहिए, a b c d x² और x के कोफिशियंट की। अब मेरी बात समझना, a बराबर 2x² + 12x, बी बराबर 11 - 8x + 3x², सी बराबर 17 - 4x² और डी माइनस में करेगा तो -x² + x + 3। ठीक, अब हमसे कह रहा है कि इनके कोफिस, ये -2x² है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पहले चेक करते हैं। देखो ये 3, ये 2x² और एक्स स्क्वायर दोनों माइनस, -3x, ये प्लस का, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 4x² इनका काम होगा, हो गया सॉरी, अब इनका काम हो गया। अब यहाँ पे हमें x का ढूंढना, देखो ये 12x, ये -8x है और ये x है,
तो 12 में से 8 माइनस करोगे कितना बचेगा, 4, और 4 में 1 जोड़ोगे तो ये 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, ठीक। अब हमें इनके कोफिशियंट का सम करना है, तो देखो इनका कोफिशियंट क्या, -4 और इसका कोफिशियंट 5, यहां से वैल्यू कितनी है 1, ऑप्शन कौन सा डी। बातें क्लियर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है ये स्टूडेंट लिस्टेड द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द रेशनल, विच वन आर द करेक्ट। कह रहा है ये रेशनल नंबर इंक्लूडिंग इंटीजर्स, रेशनल नंबर में इंटीजर इंक्लूड होता है, ये बात तो सही है। कह रहा है 0 ये नॉट रेशनल नंबर, ये बात गलत, 0 तो इंटीजर होता है, इंटीजर रेशनल नंबर में आते हैं, ये तो बात गलत है। तीसरा कह रहा है ऑल फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर, ऑल फ्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, ये भी बात सही है, तो ऑप्शन कौन सा 2, ए और सी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में एंगल बी बराबर 90 डिग्री, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, एंगल ए बराबर 40 डिग्री, डी ई बराबर 8 सेंटीमीटर, एफ बराबर 40 डिग्री, ई बराबर 90 डिग्री, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ए बी सी इक्वल नहीं, यहां पे कांग्रुएंट का साइन है, ए बी सी देखो एक ट्रायंगल ये, सॉरी राइट एंगल है ना, यहां पे देख रहा है एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ये, ठीक। अब एक का नाम क्या है, ए बी सी, ये ए है, बी 90 डिग्री है, और यहां पे ई है, ई है क्या, डी ई एफ है ना, ये डी है, ई है, एफ है, ये भी 90 है और ये भी 90 है, ठीक। कह रहा है कि बी सी ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है और ए बराबर 40 है, तो ये कितना 50, इसमें डी ई कितना दे रखा है 8 है, और ई एफ को इन्होंने 40 बना रखा है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा, पहली बात तो ए एस वाले होंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल तो आर एच एस से होगा। अब क्या होगा, ए बी सी, ए बी सी, ए 40 ई एफ से स्टार्ट होगा, ऑप्शन कौन सा सी, ए ए बी सी कांग्रुएंट होगा एफ ई डी के बाई आर एच, आर एच एस से। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा तीन संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात उनके घनों का योग 3, 3, 9, 5, 7 है, तो तीनों संख्याओं का योग पूछ रखा। देखो ये 2x, 3x और 4x इनका सम हमसे पूछ रखा, लेकिन इनके क्यूब का सम कितना, तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 8x³, ये हो जाएगा 27x³, ये हो जाएगा 64x³, सम कितना दे रखा है 3, 3, 9, 5, 7, ठीक। अब देखो 64, 27, 8, 35, 64, 99 एक्स का क्यूब इक्वल टू 3, 3, 9, 5, 7। अब देखो 11 से कैंसिल करेंगे तो ये 9 बार में 11 3 33 0, 11/88, 7 बचा 11 7 77, 9 से 9 3 27, 3 बचा 38, 9 4 36, 2 बचा 9 3 27, तो एक्स की क्यू की वैल्यू कितनी आएगा 3, 4, 3, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 7, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। अब इनका सम पूछा तो 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21 और 7 × 4 = 28, तो 21 और 14 कितना हो जाएगा 35, 35 20, 55, 8 63, ऑप्शन सी। बातें क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा तीन लगातार पूर्णांक ऐसे जिन्हें बढ़ते क्रम से लिया गया और क्रमशः 3, 5 और 2 से गुणा किया है तो उनका योग 99 हो जाता है, मूल
पहले और तीसरे पूर्णांक का योग कितना। देखो अब कह रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर, तो मान लो पहला x होगा तो दूसरा x प्लस वन होगा, तीसरा x प्लस टू होगा। अब इनमें क्या होता है कि मल्टीप्लाई किया जाता है, किससे किया जाता है, तो पहले में किससे, तीन से, दूसरे में पाँच से और तीसरे में दो से। फिर क्या किया, सम किया जाता है इनका, तो यह हो जाएगा 3x, 5x प्लस 5, 2x प्लस 4 इक्वल टू 99। ठीक, यही दे रखा है, 5 3 8 2 10, 10x प्लस 9 इक्वल टू 99। तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90। x बराबर कितना हो जाएगा, 9। कह रहा मूल पहले और तीसरे पूर्णांक का योग, पहला कितना होगा, तो आप कहोगे मूल है x और पहला दूसरा क्या है, x प्लस 2, इसकी वैल्यू 9 आई और इसकी वैल्यू हो जाएगी 11, कितना आ जाएगा 20। तो ऑप्शन डी, बात क्लियर है। आगे चलते अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा निम्नलिखित तालिका कार्टून में रखे गए विभिन्न फलों को दर्शाती है, यदि उपरोक्त डेटा के लिए पाई चार्ट बनाया जाए तो सेब का प्रतिनिधित्व करने वाले सेक्टर का एंगल पूछा, सेब कहाँ है, तो आपको 56। टोटल नंबर ऑफ फ्रूट कितने हैं, तो देख लो 56 और 44 कितना हो जाएगा, ये बन जाएंगे 180, कितना बन जाएगा 180, सम उनका 180। और इसकी क्वांटिटी कितनी है, 56 इंटू 360, ये दो बार में 56 दूना 112, कुछ मिस्टेक है क्या, एक सेकंड रुक जाना, एक छूट गया अमरूद, ये छूट गया, इसकी क्वांटिटी 30 है। अब दोनों का सम करोगे, सॉरी इनका सम करोगे तो कितना हो जाएगा, 210 आएगा, कितना आएगा 210, 180 210, 210 में ये कितना 56, तो ये हो जाएगा 210 इंटू 360। अब देखो जीरो से जीरो कैंसिल, 7 बटे 56 और 7 त्रिक 21, ये होगा 12 बटे 96, 96 डिग्री, ऑप्शन कौन सा, डी, बातें क्लियर है। आगे चलते अगला क्वेश्चन देखो। करा शीर्ष पर खुला एक बॉक्स 3 सेमी मोटाई लकड़ी का बना है, इसकी बाहरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 1.48 मीटर, 1.16 मीटर और 83 सेंटीमीटर है, 150 मीटर स्क्वायर से इसकी भीतरी सतह वाली पेंटिंग की कास्ट हमसे पूछ रखा, समझना मेरी बात ध्यान से देखना। अगर बॉक्स के भीतर की बात कर रहा है, मोटाई 3 सेंटीमीटर दे रखा, तो 3 सेंटीमीटर इधर से भी कम होगा, 3 सेंटीमीटर इधर से कम होगा, इसे हम पहले सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 148 सेंटीमीटर, इसमें से 6 माइनस कर दो कितना 142 आ जाएगा, ये कितना है 116, इसमें से 6 कम कर दोगे तो कितना 110। अब ये देखो 83 जो ऊंचाई दे रहे, तो ऊपर से खुला है तो ऊपर का हमें लेना है, नीचे ही कलाइना है, तो इसमें से केवल 3 माइनस होगा, तो 80 माइनस 3 इक्वल टू 80। अब हमसे कह रहा है कि उसके अंदर की एरिया, तो हमें सरफेस एरिया निकालनी होगी, तो फार्मूला क्या लगेगा, 2 ब्रैकेट में एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी,
अब आपके मन में आ रहा कि एल बी केवल एक ही बार क्यों, क्योंकि ऊपर की सतह खुली हुई है इसीलिए। देखो टू एल कितना दे रखा है, तो आप कहोगे 142 इंटू 80 प्लस 110 गुणे 80 प्लस 142 गुणे 110। ठीक, अब देखो ये 2 यहां से 80 काम लें तो हो जाएगा 80 यहां पे आ जाएगा, 142 में 110 जोड़ेंगे 252। ठीक, 160 गुणे 252 तो 0 16 दूना 32 के दो हाथ में आती है, 16 5 80 3 83 और 16 2 32 और 8 40। ठीक, ये आ गया एल बी का। इसको देखो 0 11 2 22 11 4 44 और 44 2 46 11 में 4 जोड़ेंगे 15। ठीक, अब इनको ऐड कर लेते हैं टोटल, ये आ जाएगा 0 2 2 4 6 3 9 और 5 और यहाँ पे ये 5 आ जाएगा। ठीक, अब क्या हो रहा है, अब जो पेंटिंग की कास्ट वो मीटर स्क्वायर में दे रखे, तो इसमें हम क्या करेंगे 10,000 से डिवाइड कर देंगे, ये 0 0 से कैंसिल, फाइनली आ जाएगा 5.594। इसमें 150 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 0 15 4 60 15 9 135 में 4 जोड़ोगे 35 में 6 जोड़ोगे 41 कितना बचा, तो आप कहोगे 14 15 5 75 75 में 14 जोड़ोगे कितना होगा 89 बचा कितना 8 15 5 75 75 में 8 जोड़ोगे 83 और 3 प्लेस पर डेसिमल है लगा दो 8 सॉरी यहाँ पे 3 प्लेस पे ना 83910 ऑप्शन कौन सा सी। बातें क्लियर, आगे चलते अगला क्वेश्चन देखो, करा एक डेटा 30 8 7 3 17 15 21 24 29 23 का माध्य अक्ष, उपरोक्त तो डेटा में 3 को 33 और 8 को 18 से बदलने प्राप्त डेटा का माध्य वाई है, फिर वाई और एक्स का अंतर पूछ रहा है, तो पहले हम इसी का मीडियन निकाल लेते हैं। तो देखो पहले असेंडिंग ऑर्डर ये 3 होगा 7 होगा 8 होगा फिर कितना आगा 15 होगा 21 3 7 8 15 17 17 21 23 24 29 और 30। अब देख लो नंबर ऑफ टर्म ऑड है इवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इवन है, तो फार्मूला वही है एन बाय टू एन एल टर्म प्लस एन बाय टू प्लस वन टर्म अपान पूरे का 2, तो 10 का हाफ करेंगे कितना होगा 5, तो पांचवा टर्म कितना होगा 17 और छठवां 21 बटे में 2 कर दो, ये हो जाएगा 38 बटे में 2 कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा यहां से। और अब कह रहा कि 3 को 33 से रिप्लेस कर दो, तो अगर 3 को हम 33 से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर क्या बन जाएगा, तब उस समय हमारा असेंडिंग ऑर्डर बनेगा 7 और 8 को कह रहा है 18 से रिप्लेस करने के लिए, किससे कर रहा है 18 से, तो 7 होगा फिर 15 होगा 17 होगा 18 होगा फिर 21 होगा फिर 23 होगा 24 होगा 29 होगा और फिर क्या हो जाएगा 30 होगा और 33 हो जाएगा, ऐसे चलेगा। अब हम कह रहा कि अब इनका अगर मीडियन निकालें तो वैल्यू वाई की आएगी, ये वैल्यू किसकी आई थी एक्स की आई थी, एक्स की वैल्यू 19 आई थी, अब अगर निकालेंगे तो वैल्यू किसकी आएगी वाई की आएगी। देखो तो यहाँ भी नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 10 ही हैं, तो पांचवा टर्म क्या होगा 21 और छठवां कितना होगा 23
बटे में दो, यहाँ हो जाएगा 44 बटे में दो करेंगे क्या 22, क्या गया 22। अब कह रहा फिर y और x में अंतर क्या, तो 22 में से 19 माइनस कर दो, आ जाएगा आपका कितना 3। तो ऑप्शन कौन सा डी। बातें क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। आप पेपर दे के आए हैं, अब आप आंसर के लिए मिलाइए, देखिए कितना सही होता है कितना गलत होता है। बाकी फाइनली तो रिजल्ट का इंतजार करना ही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।